फ्लोएम पे हम लोगों ने कंसंट्रेट किया और कहा फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, फिर हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पेनियन सेल, और फिर थर्ड एंड फोर्थ जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। लेकिन जब हम लोग कॉम्पेनियन सेल्स की बात कर रहे थे तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। हम लोगों ने क्या बताया, एक सीव ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है कॉम्पेनियन सेल, और इसमें क्या मिल रहा था, एक न्यूक्लियस मिल रहा, जबकि सीव ट्यूब में क्या नहीं मिल रहा था, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं मिल रहा था। लेकिन कब नहीं मिल रहा था, तो हम लोग आंसर देंगे जब ये मैच्योर्ड हो गया। अब ये जो कॉम्पेनियन सेल्स था ये इसके अंदर के प्रेशर को मेंटेन करता है। सीव ट्यूब क्या काम कर रहा था, ये फूड का कंडक्शन कर रहा था, फूड के कंडक्शन से क्या होता होगा, वॉल की तरफ प्रेशर पड़ता होगा, और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा। तो इस प्रेशर के डिफरेंस को, ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है, वो कॉम्पेनियन सेल मेंटेन करता है। तो ये बहुत अच्छा एक मेडिकल का क्वेश्चन बन सकता है, तो कॉम्पेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, तो कहेंगे कॉम्पेनियन सेल का है। अब हम लोग एक टर्म यूज किए थे, वो टर्म फिर हम लोग बोर्ड पे भी लिखे, जिम्नोस्पर्म में कॉम्पेनियन सेल की जगह जो सेल मिला उसका नाम क्या रखे, एल्ब्यूमिनस सेल। और क्यों ये नाम दिए, ये हम लोग बता चुके हैं, क्योंकि इसका कलर कैसा था, व्हाइट इन कलर था, और व्हाइट को एल्बा और ब्लैक को निग्रा वर्ड दिया गया। व्हाइट को क्या शब्द देते हैं हम लोग, व्हाइट शब्द के लिए एल्बा, और जब ब्लैक कुछ दिखता है तो प्लांट में निग्रा वर्ड यूज करते हैं। बेसिकली निग्रा वर्ड भी निग्रो से डिराइव हुआ है, जो निग्रो लोग होते हैं, अफ्रीकन लोग होते हैं, तुम देखना उनके बॉडी का कलर ब्लैकिश होता है। तो ये एक्चुअली फिर लैटिन वर्ड है, ब्लैक के लिए निग्रा और व्हाइट के लिए एल्वा, और वहीं से ये सारे शब्दों को हम लोग डिराइव कर रहे थे। तो हमने कहा एल्ब्यूमिनस सेल मीनिंग बाय दे आर व्हाइट इन कलर, कहीं पे नाम लिखा हो, सम किसी बॉटनिकल नेम लिखा हो और टर्म लिखा हो निग्रा, समझ जाना ये ब्लैक कलर की बात हो रही है। तो ये हम लोग दो पॉइंट्स देखे। फिर हम लोग आते हैं फ्लोएम के तीसरे कॉम्पोनेंट में, फ्लोएम के तीसरे कॉम्पोनेंट का नाम रखे फ्लोएम फाइबर। नॉर्मल फाइबर की तरह ये भी दोनों एंड्स पे कैसा होगा, पॉइंटेड होगा, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे, जाइलम को किस नाम से जानते हैं, जाइलम को हम लोग किस नाम से जानते हैं बताओ, जाइलम को हम लोग ऊड कहे और फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं, बास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाइलम इज कॉल्ड एज ऊड एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज बास्ट। तो ये दोनों टर्म तुमको याद रखना है, इसीलिए हम लोग फ्लोएम फाइबर की जगह पे एक और टर्म यूज किए, क्या टर्म यूज किए, बास्ट फाइबर। दूसरा, ये फाइबर है कैसा, तो ये पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, दे आर इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड फाइबर है और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही है, विदाउट एनी ब्रांच। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर हो गया कि फाइबर्स इलोंगेटेड तो है लेकिन विदाउट एनी ब्रांच, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिख रही है, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, विदाउट एनी ब्रांचिंग। लेकिन फाइबर्स का एंड्स कैसा है, हम लोग फाइबर का कैरेक्टर ही डिस्कस किए थे कि फाइबर के एंड्स में पॉइंट मिलता है, मतलब दे आर पॉइंटेड, और निडल लाइक नुकीला स्ट्रक्चर है, निडल के समान नुकीला हो चुका है। सेल वॉल कैसा दिख रहा है, सेल वॉल ऑफ फाइबर्स आर थिक और प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये थिक है, और थिकनिंग किसके चलते हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये थिकनिंग भी लिग्निन का डिपोजिशन है जिसके चलते फाइबर के अंदर का ल्यूमेन धीरे धीरे ऑब्लिटरेट हो रहा है। ऑब्लिटरेट शब्द का मतलब बताए थे, समाप्त हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो ये टेक्निकल वर्ड है जो मेडिकल में आया है, ऑब्लिटरेट मतलब कम होना, नहीं होना, समाप्त होना। तो बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन द ल्यूमेन इज बीइंग ऑब्लिटरेटेड। और फाइनली ये एब्सेंट है, फाइबर नहीं मिलता है कहां, इन प्राइमरी फ्लोएम। जब हम लोग फ्लोएम की बात किए थे तो क्या कहे थे, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। जब प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ हो रहा था, जब प्लांट इलोंगेट कर रहा था, उस ग्रोथ को क्या कहते, प्राइमरी ग्रोथ, और जब प्लांट मोटा हो रहा था उसका नाम क्या रखे थे, सेकेंडरी ग्रोथ।
प्राइमरी ग्रोथ के समय जो फ्लोएम आता है उसको कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम, जिसका दो पार्ट बताए थे, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। जो स्मॉलर डायमीटर का होगा प्रोटोफ्लोएम, जो लार्जर डायमीटर का होगा मेटाफ्लोएम। हम लोग कहते हैं कि दीज आर एब्सेंट, कौन, फाइबर्स आर एब्सेंट, किसमें, इन प्रोटोफ्लोएम। मतलब जब सेकेंडरी ग्रोथ वाला फ्लोएम बनता है तभी वो फाइबर अपीयर होता है, और एंड फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। इसीलिए ये फाइबर हमको कहां दिखता है, सेकेंडरी फ्लोएम में दिखता है। अब आ जाओ कुछ कॉमन फ्लोएम फाइबर की बात करें, जो फाइबर हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं, है ना, बाजार में चीजों के बनाने में हेल्प करते हैं, ऐसे कुछ फाइबर का नाम है जूट। जूट भी फ्लोएम से निकलने वाला, फ्लोएम के बॉडी का पार्ट है जूट। जो हम लोग यूज करते हैं सैक्स बनाने में, थैला बनाने में, बैग बनाने में, पैर पोछने के मैट बनाने में, उस जूट में जो फाइबर यूज किया जा रहा है वो फाइबर कहां से डिराइव किया गया, वो फाइबर फ्लोएम का फाइबर था, फ्लोएम के बॉडी का पार्ट था। उसी तरह से फ्लैक्स और हेम्प, ये तीनों प्लांट्स में जो फाइबर निकल रहा होता है वो किसका फाइबर है, फ्लोएम से रिलेटेड फाइबर है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ फ्लोएम फाइबर। अब हम लोग आ रहे हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात बोल रहे हैं। चौथे कॉम्पोनेंट के रूप में फ्लोएम में पेरेन्काइमेटस सेल मिला। कौन सा सेल मिला, पेरेन्काइमेटस सेल मिला। फ्लोएम पेरेन्काइमा, नेचुरली जैसे ही हम लोग पेरेन्काइमा की बात करें तुम्हारे दिमाग में पेरेन्काइमा का सारा कैरेक्टर आना शुरू हो गया। क्या क्या कैरेक्टर बताए थे, पेरेन्काइमा आर लिविंग सेल, दे आर थिन वॉल्ड, देयर मेन फंक्शन इज टू स्टोर फूड। ये सारी बातें फिर हम लोग रिपीट कर रहे हैं, दे आर लिविंग सेल्स, लेकिन अब शेप के बारे में थोड़ा डिफर कर रहे हैं। नॉर्मली जब हम लोग पेरेन्काइमा डिस्कस कर रहे थे ना, तो हम लोग कह रहे थे दे आर ओवल, दे आर स्फेरिकल, दे आर पॉलीगोनल, बट दे आर ऑल अलाइक। जब भी होगा और जैसा भी होगा सब एक सा होगा। अब जो पेरेन्काइमा मिल रहा था किसमें, फ्लोएम में, वो थोड़ा बहुत इलोंगेटेड था। तो वो कैसा था, थोड़ा बहुत इलोंगेटेड था, तो ये इलोंगेटेड सेल्स हम लोगों को दिख रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लोग डिस्कस किए। तो अब हम लोग फाइनली इसको कंक्लूड कर रहे हैं। हमने दो जाइलम और फ्लोएम, दो कंडक्टिंग टिश्यू को डिस्कस किया। जाइलम का काम था वाटर को कंडक्ट करना और फ्लोएम का काम था फूड को कंडक्ट करना। दोनों ही को कहा गया कंडक्टिंग टिश्यू और दोनों अपने अपने काम को अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कुछ बातें इससे को रिलेटेड समझा रहे हैं। हालांकि इसको हमें अलग चैप्टर में पढ़ना है और पूरी तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे समझेंगे, बट को रिलेटेड चैप्टर है, हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। पहली जानकारी, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही बंडल के अंदर रह सकता है। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही बंडल के अंदर रहता है हम लोग इसको कहते हैं वैस्कुलर बंडल। क्या नाम देते हैं इसका हम लोग, वैस्कुलर बंडल। तो जाइलम और फ्लोएम मे प्रेजेंट इनसाइड वन बॉडी विच इज कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल। अब हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे भी रह सकता है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को ही कह रहे हैं वैस्कुलर बंडल, अलग अलग रेडियस पे रह सकता है। ये कुछ बातें हैं जो हमको पढ़ना है, मतलब अभी हमारा हम अभी तुरंत इसकी जरूरत हमको नहीं है, अब अगले चैप्टर में हम इनको पढ़ेंगे। लेकिन हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इन चीजों का कि जाइलम और फ्लोएम जब हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए तो जाइलम और फ्लोएम के बाद अब को रिलेटेड टॉपिक हम लोगों को देखना है। तो इसके बाद जो टॉपिक हमारा है उसमें है, पहले टॉपिक का नाम है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम को हम लोग तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहले कैटेगरी का नाम रखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरी कैटेगरी का नाम रखते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरी कैटेगरी का नाम रखते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये जो जाइलम और फ्लोएम हम लोग पढ़े ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट था। किसका पार्ट था, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट था, जिसको हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। तो अब जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं ये इंट्रोडक्शन है, अगले चैप्टर को जो हम लोग शुरुआत करेंगे उसका ये इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं। तो हम लोग क्या कहे कि अब जो हमारा चैप्टर शुरू होगा उसमें तीन तरह के टिश्यू सिस्टम को डिस्कशन किया जाएगा।
लेकिन इन तीन टिश्यू सिस्टम को डिस्कस करने के पहले एक छोटा सा टॉपिक और हम लोगों को डिस्कस करना है, और वो है स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू। जब हम लोग कल कह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि परमानेंट टिश्यू मे बी ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम लोगों ने देखा इन टर्म्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। और अब जो वो छोटा सा पोर्शन बच गया है उसका नाम है स्पेशल और सिक्रेटरी टिश्यू। अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल टाइप का टिश्यू को, और फिर हम लोग इस पे बोर्ड वर्क भी करेंगे, है ना, इस पे बोर्ड वर्क भी करेंगे और पहले इन चीजों को समझा रहे हैं। शब्द क्या है? सिक्रेटरी टिश्यू। अब जरा शब्द पे ध्यान दो, शब्द क्या है? सिक्रेटरी टिश्यू, मीनिंग बाय ऐसा टिश्यू जो कुछ चीजों का सिक्रीशन करता हो। ऐसे टिश्यू को तुम प्लांट में देखते हो जो कुछ कुछ चीजों का सिक्रीशन करता है। पपीता के पेड़ में गए और पपीता के पेड़ के पत्ते को तोड़े, क्या दिखा? पपीता के पत्ते से मिल्की स्ट्रक्चर, मिल्की लेटेक्स दिखना शुरू हो गया, ये दूध की तरह नीचे गिर रहा था। ये क्या था? एक स्पेशल टिश्यू के अंदर वो मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट था। ये क्या था? एक स्पेशल टिश्यू के अंदर, मतलब वो स्पेशल टिश्यू किस चीज को प्रोवाइड कर रहा था? वो स्पेशल टिश्यू कंटेन कर रहा था एक मिल्की कंटेंट को। ऐसे ही हम लोग प्लांट्स में, कई प्लांट्स में कुछ कुछ एग्जाम्पल। तो ये जो थर्ड पार्ट हमारा है स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू, इसमें हम लोग सिक्रेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कौन कौन से प्लांट में कौन कौन सा सिक्रेटरी ग्लैंड पाया जाता है, और ये विथ एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है। इनमें से तीन चार एग्जाम्पल है जो मेडिकल के एग्जाम में आते हैं, है ना। तो ये तीन चार एग्जाम्पल हम लोगों को डिस्कस करना है, और फिर ये टॉपिक हमारा पूरी तरफ से, हम लोग कहेंगे परमानेंट टिश्यू हमारा समाप्त हो जाएगा। हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे टिश्यू सिस्टम। तो पहले हम लोग अब इसको फिनिश करने के लिए हम लोग लास्ट पॉइंट पे आएंगे, और उस पॉइंट का नाम था सिक्रेटरी टिश्यू। सिक्रेटरी टिश्यू का पार्ट होता है, हम लोग कहते हैं लेटेक्स का फॉर्मेशन। मिल्की लेटेक्स हो सकता है, मिल्की लेटेक्स हो सकता है, जैसे हम लोग पपीता की बात की है। एक प्लांट है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, है ना, इसको हम लोग कॉमनली अक या अकवन के नाम से भी जानते हैं। इस प्लांट के पत्ते को अगर मौका मिला तो हम ये पत्तों को तोड़ के तुमको ला के दिखाएंगे, और प्लांट देखते ही तुमको लगेगा कि हाँ सर ये प्लांट तो हमने देखा है। वो प्लांट को तोड़ के लाएंगे, और बल्कि जब मॉर्फोलॉजी की हम लोग बात करेंगे तो कोशिश करेंगे कि सारे प्लांट्स, सारे फ्लावर्स को हम तुमको दिखा पाएं। क्योंकि होता यह है कि जितने भी प्लांट्स की का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं उनमें से बहुत से प्लांट्स को बच्चों तुमने देखा तो है, ऑब्जर्व भी किया है, लेकिन कोई तुम्हें बताया नहीं है। अगर उनके कैरेक्टर को तुम देख लो तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे कैरेक्टर्स तुम्हारे लिए विजिबल हो जाएंगे। और जिन बच्चों के लिए ये विजिबल हो जाएगा उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ग्लैंडुलर टिश्यू और सेक्रेटरी टिश्यू की बात कर रहे थे, तो हम लोग ने हमने क्या कहा कि वैसे टिश्यू को ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टिश्यू कहते हैं जो किसी न किसी चीजों का सिक्रीशन कर रहा होता है प्लांट में। और जब प्लांट में सिक्रेशन की बात करते हैं तो सबसे कॉमन नाम आता है लेटेक्स। सबसे कॉमन क्या नाम आता है? लेटेक्स। अब लेटेक्स मिल्की भी हो सकता है, व्हाइट रंग के दूध के समान भी लेटेक्स निकलता है, जैसे हमने कहा पपीता के प्लांट में, या जैसे हमने कहा कैलोट्रोपिस प्लांट में। कैलोट्रोपिस या पपीता के प्लांट में मिल्की लेटेक्स मिलता है। दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग फिर देखना शुरू कर रहे हैं, मिल्की लेटेक्स और कहां मिलता है। अगर हम लोग ये बात करें कि मिल्की लेटेक्स और कहां मिलता है, या मिल्की लेटेक्स के अलावे और कुछ कंपोनेंट्स की बात करें, तो याद करो तुम जिस दिन तुम घर में भिंडी को काटे होगे, लेडी फिंगर को काटे होगे, तो तुमको म्यूसिलेज मिला होगा, चिपचिपा पदार्थ मिला होगा, है ना। तो ये क्या था? सिक्रीशन था एक ग्लैंड का। जो ही हम भिंडी को काटते हैं ना, थोड़ा सा पानी छिड़क दो तो क्या लगेगा तुमको? म्यूसिलेज निकल रहा था। तो ये जो म्यूसिलेज, चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था, ये म्यूसिलेज कहलाया। एक प्लांट है अकेशिया अरेबिका, है ना,
इसका नाम अरेबिका इसलिए रखा गया क्योंकि ये अरब देश में मिलने वाला प्लांट था। हम लोग कहते हैं अकेशिया अरेबिका। इसकी टहनी को तोड़ दो, थोड़े देर के बाद उससे गम निकलेगा, लट्ठा निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये अकेशिया अरेबिका में गम ट्री के नाम से ये हम लोग जानते हैं इस प्लांट को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिन प्लांट की चर्चा कर रहे हैं इन प्लांट में कुछ ना कुछ स्पेशल सिक्रीशन हो रहा है, और ये स्पेशल सिक्रीशन को प्लांट के बॉडी में जो ग्लैंड ये इसको रिटेन कर रहा था उसी का नाम रखा गया ग्लैंडुलर टिश्यू और सेक्रेटरी टिश्यू। तो ये समझ में आ गया। तो ये थर्ड पॉइंट, अब हम लोग इस पे थोड़ा बोर्ड वर्क कर लें। परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने क्या क्या देखा, परमानेंट टिश्यू में हमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और अब एक छोटा सा जो पार्ट उसका वो है सिक्रेटरी टिश्यू। इसका मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया ये कुछ ना कुछ चीजों का सिक्रेशन कर रहा है। और जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि आप अगर पपीते के पेड़ के पत्ते को तोड़ते हो तो उससे मिल्की लेटेक्स निकल रहा है। तो इसका मतलब जिस टिश्यू से मिल्की लेटेक्स निकल रहा है उस टिश्यू का नाम दिया गया लैक्टिफेरस टिश्यू। क्या नाम दिया गया इसका, लैक्टिफेरस टिश्यू। लैक्टिफेरस टिश्यू वेसल्स के फॉर्म में भी हो सकता है और सेल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपने कहा लेटेक्स वेसल्स और आपने कहा लेटेक्स सेल। तो बच्चों इसको पहले समझना है, जब मैं सेल की बात कर रहा हूं तो हम लोग सिर्फ एक सेल को दिखा रहे हैं, और जब वेसल्स की बात कर रहे हैं तो कई सेल आपस में फ्यूज्ड कंडीशन में दिखा रहे हैं। तो जब बहुत से सेल आपस में फ्यूज्ड कर जाएं तो तब हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे लेटेस्ट वेसल। और जब इंडिपेंडेंट सेल हो, कोई किसी के साथ फ्यूज ना किया हो, तब टर्म यूज करते हैं लेटेस्ट सेल। तो ये या तो वेसल्स हो या सेल हो। अब वेसल्स का एग्जाम्पल होता है पॉपी का फ्लावर। पॉपी जब हम लोग गार्डन में लगाते हैं ना, तो गर्मियों के दिन में हम लोग पॉपी लगाते हैं। पॉपी लगाते हैं अपने गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के लिए, इसको कहते हैं गार्डन पॉपी। लेकिन इसी पॉपी को लोग अफीम की खेती भी करते हैं, है ना, अफीम की खेती इसी पॉपी से होती है। अब हम लोग उसका नाम रखते हैं ओपियम पॉपी, नहीं क्या नाम रखते हैं इसका, ओपियम पॉपी। तो पॉपी के लेटेक्स उसको तोड़ते हैं ना, तो वहां से भी एक लेटेक्स निकलता है। तो हम लोग कहते हैं कि दिस लेटेक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लेटेक्स वेसल्स। ये कहां से निकल रहा है, लेटेक्स वेसल्स से निकल रहा था। वेसल्स का मतलब हमने बताया कई ट्यूब आपस में कई जगह पे एनास्टेमोस कर गए हैं। एनास्टेमोस शब्द रहता है बॉटनी में, ये टर्म है। एनास्टेमोस शब्द का मतलब होता है फ्यूज्ड हो जाना। तो ये जो फ्यूजन होता है ना, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एनास्टेमोस, मतलब ये आपस में फ्यूज कर गए हैं। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है पॉपी का। पॉपी की जब बात करते हैं तो पहली बात करते हैं गार्डन पॉपी की, जो हम लोग अपने बगीचे में लगाते हैं। दूसरी बात करते हैं प्रिकली पॉपी की। प्रिकली पॉपी कांटे नुमा पॉपी, जो डेजर्ट प्लांट है, इसको हम लोग हिंदी में नागफनी के नाम से भी जानते हैं। तुमने प्लांट देखा होगा, ये देखो ऐसा गोल गोल प्लांट होता है, इसमें पत्ते लीव्स जो होते हैं ना वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गए हैं। और याद करो ऐसा प्लांट तुमने देखा होगा, और इसमें येलो कलर का फ्लावर निकला रहता है ना। तो ये बेसिकली स्टेम है और लीव्स छोटे छोटे स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इसका नाम रखा गया प्रिकली पॉपी, क्योंकि ये कांटा है, ये चुभेगा, प्रिक करेगा, इसलिए नाम रखा गया प्रिकली पॉपी। तो इसको कहते हैं प्रिकली पॉपी, और जो हम लोग बगीचे में लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, गार्डन पॉपी। और फिर जिस पॉपी से हम लोग अफीम की खेती करते हैं उसको कहते हैं ओपियम पॉपी। इन सारे पॉपी में लेटेक्स वेसल्स मिलेगा, मीनिंग बाय सारे सेल आपस में फ्यूज कर गए होंगे, और इनसे जो कंटेंट निकलेगा वो लेटेक्स कहलाएगा। लेकिन कुछ प्लांट में लेटेक्स सेल्स भी पाया जाता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैलोट्रॉपिस का प्लांट, कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा, हम लोग कहते हैं इसको हिंदी में अकवन का पेड़, है ना, अक या अकवन का पेड़ कहलाता है।
दूसरा विंका रोजा एक प्लांट है जिसके फूल को हम लोग यूज करते हैं, विंका रोजा है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरेविंकल, इसको भी तोड़ते हैं, इससे भी लेटेक्स निकलता है। लेकिन ये सिंगल सेल में लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, सिंगल सेल में लोकेटेड है। तो ये क्या हो गया, दिस ऑल सेल्स आर मेड फॉर ए स्पेशल फंक्शन, है ना, सिक्रीशन में हेल्प कर रहा था। ठीक उसी तरह से कुछ ग्लैंडुलर सेल्स भी पाया जाता है, तो हम लोग जब ग्लैंडुलर सेल्स पाया जाता है उसको कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ऑयल ग्लैंड्स। अब ऑयल ग्लैंड्स पढ़ना नहीं है, अपने मम्मी के पास जाओ और बोलो मम्मी एक नींबू दे दीजिए, है ना, नींबू सबके घर पे होगा। अब नींबू के आउटर कवरिंग को जरा सा सनलाइट में देखो, क्या दिख रहा था, ध्यान से देखो, उसमें डॉट 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 छोटा छोटा तुमको डॉट्स दिख रहा था, वो बेसिकली क्या था, ये डॉट्स जो दिख रहा था ये ऑयल कंटेनिंग ग्लैंड था, ये क्या था, ऑयल कंटेनिंग ग्लैंड था। तो जिसको हम लोग ऑयल कंटेनिंग ग्लैंड्स कह रहे थे ना, उसी को कहते हैं डॉटेड ग्लैंड्स, क्योंकि पूरे नींबू के स्किन पे ये छोटे 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 पॉइंट्स के रूप में दिख रहा है। नींबू को ध्यान से धूप में रखो और देखो, पूरे नींबू में हजारों पॉइंट्स डॉट्स दिख रहा था। अगर घर में नींबू का पेड़ है ना, तो उसके पत्ते को जाके तोड़ो, और अभी तुरंत जाके तोड़ के इसको जरा सनलाइट में देखो, पूरे पत्ते में हजारों छोटा छोटा डॉट्स दिखाई दे रहा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि घर में अगर नींबू का पेड़ है तो उस पत्ते को तोड़ो, और जो मैं कह रहा हूं अभी करके देखो, उस पत्ते को तोड़ के जरा सा अपने उंगलियों में अपने हैंड में रब कर दो, और अब इसको सूंघो, तुमको नींबू की खुशबू दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि इस पत्ते में भी जो डॉट्स था, जो ग्लैंड्स था, वो एक लिक्विड को, है ना, फ्रैग्रेंट को, खुशबू को क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था। तो उस ग्लैंड्स का एक ऑयल को सिक्रेट कर रहा था, ऑयल को स्टोर कर रहा था, इसलिए उसका नाम रखा गया ऑयल ग्लैंड्स। तो ऑयल ग्लैंड्स चूंकि इसके ऑयल में खुशबू आती है, हम लोग नाम रखते हैं एसेंशियल ऑयल। अब जितना भी ऑयल है जिसमें खुशबू आती है, जैस्मिन का तेल हम लोग लगाते हैं, है ना, तो जैस्मिन ऑयल, ये कैसा ऑयल हो गया, एसेंशियल ऑयल। अब एक बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 90% बच्चे गलती किए थे, तुम गलती ना करो, इसलिए यहां पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं और एक बात समझा रहे हैं। टर्म था एसेंशियल ऑयल्स इन प्लांट्स, और ऑप्शन था दे आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स, फिर दूसरा ऑप्शन था दे आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, और तीसरा ऑप्शन था बोथ ऑफ देम, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा, हमने कहा एसेंशियल ऑयल, तो लगता ऐसा ही है कि दे आर एसेंशियल, दे आर नेसेसरी, नाम से तो ऐसे ही लग रहा है ना। तो ये जो नाम था ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग नाम था, ये नाम कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये जानबूझ के गलती करा देता है। अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, गलती होगी, 100% गलती होगी, और एक गलती का मतलब चार नंबर पीछे, चार नंबर से पीछे, और एक नेगेटिव मार्किंग, मतलब आप पांच नंबर से पीछे हो गए। पांच नंबर से पीछे होने का मतलब पता है बच्चों, अच्छे मेडिकल कॉलेज से नीचे आ गए, या मेडिकल में होना नहीं होना एक बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन में अगर नीचे आ गए तो नहीं हुआ, क्रॉस कर गए तो मेडिकल में हो गया। मतलब एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना है बहुत अच्छी तरह से। हमने क्या कहा, एसेंशियल ऑयल, ये शब्द कैसे बना इसको समझना। एसेंशियल शब्द का मतलब ऐसे तो होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, जरूरी। और क्वेश्चन भी यही था कि एसेंशियल ऑयल्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स, क्वेश्चन भी यही था ना, और ऑप्शन भी देखो कैसा था, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला। एसेंशियल फॉर एनिमल्स, एसेंशियल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और फोर्थ ऑप्शन क्या था, नन ऑफ दीज। देखो ये नाम मिलता जुलता है, ये टर्म लेकिन डिराइव हुआ किससे, एसेंस, एसेंस शब्द का मतलब होता है खुशबू, खुशबू शब्द एसेंस शब्द से ही डिराइव हुआ है, ना कि नेसेसरी और एसेंशियल शब्द से। इसीलिए जितनी भी खुशबू वाली तेल होंगी उनको हम लोग क्या नाम दे देंगे, वेरी गुड, एसेंशियल ऑयल का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको हम लोग, एसेंशियल ऑयल का नाम देंगे, मतलब
जितने भी तेल में, जितने भी तरह का तेल जो प्लांट से डिराइव होता है, जिनमें खुशबू होती है, जिनमें एसेंस पाया जाता है, हम लोग कहते हैं जैस्मिन ऑयल, हम लोग कहते हैं जूही का ऑयल, जूही ऑयल है ना, हम लोग कहेंगे रात की रानी का, तो जितने भी प्लांट से ऑयल निकलता हो, उसमें खुशबू होती हो, उसको नाम दे दिया जाएगा एसेंशियल ऑयल। तो ये ऑयल ग्लैंड था जो नींबू के पत्ते पे, नींबू के सरफेस पे पाया जा रहा था। इसके अलावे बहुत सा ऐसा ग्लैंड्स है जो गम्स को, गम्स हम लोग कहे लट्ठे को, अकेशिया अरेबिका प्लांट का नाम बताए, क्या नाम बताया प्लांट का, अकेशिया अरेबिका है ना, इसको बबूल का पेड़ भी कहते हैं। ये अरब में पाया जाता था, इसका ओरिजिन अरब था, इसीलिए नाम दिया गया अकेशिया अरेबिका। और इस बबूल के पेड़ में जब इसके पत्ते को, स्टेम को तोड़ते हैं तो इससे गम्स निकलता, लट्ठा निकलता है, इसीलिए ये भी सेक्रेटरी ग्लैंड्स था। उस जगह पे एक ग्लैंड पाया जा रहा था जिससे गम्स निकल रहा था। उसी जगह पे कुछ और प्लांट्स में रेजिन नामक केमिकल कंपाउंड मिलता है, और कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, कुछ प्लांट जो हम लोगों को मॉर्फोलॉजी में डिस्कशन करना है, उसका नाम है पीचर प्लांट। हम लोग एक प्लांट को डिस्कस करेंगे, नेपेंथिस खासियाना उसका बॉटनिकल नेम है। उस प्लांट में इंसेक्ट अंदर जाके ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और प्लांट अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है। उस डाइजेस्टिव एंजाइम से उस इंसेक्ट के बॉडी का डाइजेशन होता है, वो मर जाता है, उसके बॉडी का डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन के बाद उसके बॉडी में मिलने वाले प्रोटीन का डीकम्पोजिशन हो जाता है, और प्रोटीन से नाइट्रोजन लिबरेट हो जाता है, और प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को खाता है, डाइजेस्ट करता है, और उसके डाइजेशन के लिए बॉडी से जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड में पाया जाता है। और फाइनली कुछ प्लांट ऐसा होता है जिसके पत्ते के मार्जिन्स पे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग देखते हैं ये पत्ता बनाए, ये ऑलमोस्ट ऐसा ही पत्ता होता है, इसका नाम है गार्डन नॉस्टोटियम प्लांट। क्या नाम है? गार्डन, बगीचे में लगाने वाला नॉस्टोटियम प्लांट का नाम है ये। फिर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, इसकी सही जगह होगी फिजियोलॉजी में, जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो इस प्लांट के बारे में बताएंगे। जब हम लोग ट्रांसपिरेशन डिस्कशन करेंगे तो एक नया टर्म आएगा, गटेशन। तो ये गटेशन हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन के साथ, उस समय इसके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कशन करेंगे। अभी जानने के लिए हम लोग ये बता रहे हैं प्लांट का नाम क्या है, गार्डन नॉस्टोटियम। गार्डन नॉस्टोटियम के ये पत्ते को देखो, बिल्कुल पूरी की तरह गोल लग रहा है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल छोटी पूरी लग रहा है ना, पूरी सब्जी जो हम लोग खाते हैं, तो ये बिल्कुल राउंडेड लीफ है। और ये इसका वेन्स है, सुबह सुबह हम लोग देखते क्या है, वेन्स के एंड पे कुछ वाटर ड्रॉप्स दिख रहा है। नॉर्मली पत्ते से पानी वेपर के रूप में निकलता है, वेपर के रूप में निकलने वाले इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लेकिन कुछ स्पेशल प्लांट्स है जिसके पत्ते के मार्जिन्स पे वाटर ड्रॉप्स दिख रहा है, और ये जो पोर्स था ना, इस पोर्स का नाम दिया गया हाइडाथोड। क्या नाम दिया गया इसका? हाइडाथोड। और इस प्रोसेस में जो पानी बाहर आया, हम लोग इस प्रोसेस का नाम देते हैं गटेशन। क्या नाम देते हैं? तो प्रोसेस को कहते हैं हम लोग गटेशन। ये टॉपिक हम लोगों को फिर पढ़ना है, हम लोग फिर इसको डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग ये बताएं कि स्पेशल ग्लैंड्स को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। स्पेशल ग्लैंड कहां पे मिल रहा था? पत्ते के मार्जिन पे मिल रहा था। कहां पे मिल रहा था ये? पत्ते के। और पत्ता कैसा था? ऑलमोस्ट राउंडेड पत्ता था। गार्डन में गर्मियों में लगाते हैं हम लोग इसको, अपने है ना खूबसूरती के लिए लगाते हैं प्लांट्स को, और गार्डन में पाया जाता है, इसीलिए नाम रखा गया गार्डन नॉस्टोटियम है ना। क्या नाम इस प्लांट का? गार्डन नॉस्टोटियम। इस प्लांट के लीफ के मार्जिन्स पे हम लोग देखते हैं जब वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट कब होता है? तुमको पता होगा, रेनी सीजन में, गर्मियां भी है और ह्यूमिडिटी भी होती है। ऐसे मौसम में पत्ते के मार्जिन्स पे वाटर ड्रॉप दिख रहा होता है। ये जो वाटर ड्रॉप है, ये ट्रांसपिरेशन के द्वारा नहीं, बल्कि बॉडी से पानी की बूंदें बाहर आई हैं।
नॉर्मल प्लांट में पानी वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है, लेकिन इस प्लांट में जिसका नाम हम बताए गार्डन नॉस्ट्रोटियम, हमने क्या कहा, वाटर वाटर के फॉर्म में बाहर निकला, वाटर का वाटर के फॉर्म में प्लांट से बाहर निकलना कहलाता है गटेशन। क्या कहलाता है ये? इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन। लेकिन 90% प्लांट में क्या होता है, 90% प्लांट में पानी वेपर के रूप में बाहर निकलता है। वेपर के रूप में पानी के बाहर निकलने को हम लोग क्या नाम देते हैं, वी यूज टू कॉल इट ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ट्रांसपिरेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पे हमने शब्द को बदला है, हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब पानी वाटर इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द प्लांट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, not in the form of vapor but in the form of water, then the term is what, the term is guttation, and the organs or the glands which are used is called as hydathode. us gland ka naam kya diya gaya, hydathode. to ye jo hum log discussion kar rahe the, इसके अलावे हमने कहा नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड। तुम बहुत से प्लांट के बारे में जानते हो कि जिसमें देखते हो कि मधुमक्खी आ रही है ना, हनी भी आ रही है। बी क्यों आ रही है, क्योंकि उसको पता है इस फ्लावर में हनी है, और हनी जिस ग्लैंड में लोकेटेड है उस ग्लैंड का नाम क्या रखेंगे, नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड। जब मधु, हम लोग कहते हैं सुगरी सब्सटेंस प्लांट के फ्लावर में है तब उसको नेक्टर कहते हैं, लेकिन जब वो हनी बी के बॉडी के अंदर पहुंच जाती है और फिर उसको वो अपने घर पे आके रीवोमिट करती है तब उसका नाम हनी होता है। तो नेक्टर में और हनी में शार्प डिफरेंस है। फ्लावर में मिलने वाले सुगरी सब्सटेंस को नेक्टर कहा गया जो किसी ना किसी ग्लैंड में था। हनी भी आई और उस फ्लावर के नेक्टर को पूरी तरह से क्या की, सक कर ली और वो उसके एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच गया। फिर जब वो घर पे आती है, अपने कॉम में आती है, तो वो उसी नेक्टर को फिर से रीवोमिट करती है। लेकिन जितने समय वो उसके एब्डोमेन में रहता है, स्टोमेक में रहता है, उसमें बहुत सा डाइजेस्टिव एंजाइम मिक्सअप हो जाता है और नेक्टर हनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्टर क्या हुआ, ये समझ में आ गया। प्लांट में मिलने वाला सुगरी सब्सटेंस नेक्टर कहलाता है, और जिस ग्लैंड में, जिस टिश्यू में मिलता है उसको कहते हैं नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड। और जब ये हनी बी के बॉडी में जाता है और फिर वो हनी कॉम में आके रीवोमिट करती है तब ये मधु या हनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम लोग हनी की बात करते हैं तो कहेंगे हनी कंटेन नेक्टर अलोंग विद डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द हनी बी। हनी बी के बॉडी का डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें मिला, और हमारे लिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो हनी बी के बॉडी में मिलता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये बहुत से मेडिसिन को कैरी कर रहा था, हमारे लिए ये मेडिसिनल वैल्यू का चीज है, इसीलिए हम लोगों को हनी पीना चाहिए, हनी खाना चाहिए। हम लोग हनी को तरह तरह से यूज करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के लिए ये मेडिसिनल वैल्यू का चीज है। तो ये तुम्हारा एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया, और इस टॉपिक का नाम था परमानेंट टिश्यू। तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक हम लोगों का खत्म हुआ, मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम की जब बात करेंगे तो तीन टिश्यू सिस्टम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और ज्यों ही हम लोग टिश्यू सिस्टम को फिनिश करेंगे हम ये कह पाएंगे कि हम लोगों ने आधे एनाटॉमी को समाप्त कर लिया, और एनाटॉमी पे बहुत हद तक कमांड हमारा हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास का प्रिपरेशन शुरू करते हैं।